इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरुदेव भगवान पहले सोए, श्री ठाकुर जी पश्चात, लक्ष्मण जी सुतबे नहीं भय हो, पौढ़े। मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया, सेवा धर्म बहुत कठिन है भैया, सरल नहीं है, बहुत कठिन है। सब संवारना पड़ता है वो, और सेवक को बड़ा सूक्ष्म रहना पड़ता है। हीन नान हीन वस्त्र सेवा रहना पड़ता है। खैर, सरकार बैठे हैं, इन भावों में हम नहीं जाएंगे, फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। लक्ष्मण भैया उठे, गुरुदेव भगवान के पहले प्रभु श्री चरणों में वंदन किए। लक्ष्मण भैया प्रातर विधि से निवृत्त होकर दोनों भैया गुरु शरण में उपस्थित भए, प्रणाम किए। गुरुदेव भगवान शालक राम जी नर्मदेश्वर प्रभु की पूजा करेंगे। एतदर्थ पुष्प दल बिल्व पत्र लेने मेरे श्री ठाकुर जी जनक राज महाराज की योग वाटिका में पधारे। मानस में तीन वाटिकाएं हैं जिनका स्मरण करते हैं बाबा, जनक जी की योग वाटिका, सुग्रीव जी भगवान के प्रिय सखा हैं उनकी उपयोग वाटिका मधुबन, और तीसरी रावण की अशोक वाटिका। तीनों का अपना अपना वैशिष्ट है। अब इस योग वाटिका में दर्शन करिए क्या स्वरूप है। लागे बिटप मनोहर नाना बरन बरन बर बेली बिताला। लागे बिटप मन को हरने वाले, जहां जाए मन वहीं लुभाई जाए। नाना प्रकार की लताएं हैं, हरतिमा संपन्न है। क्यों है? क्योंकि श्री सीताराम जी इस वाटिका में अवश्य दर्शन करने आएंगे। ये जड़ भी जानते हैं, या नहीं? सरकार जब आए तो नदियों में अमृत की बाढ़ आ गई, पर्वत मणियों से लद गए, शिलाएं सरजू तट पर स्फटिक की हो गई, सारे वृक्ष फलित हो गए, लताएं हरतिमा से परिपूरित हो गई थी। भगवान जब रामनवमी को अवतरण किए, जन्म लिए, प्रकट हुए, क्या स्वरूप बना? चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म। सरकार जब आए तब देखिए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, सारे निज संपति सुर रूख लजाए, निज संपति चातक को लकीर चकोरा, चातक को लकीर चकोरा, पूजत बिहग साथ। सभी ऋतुओं के पक्षी भगवान को देखकर आनंदित हो गए, और मेरे सरकार वाटिका के मध्य में एक सुंदर सरोवर है जिसका स्मरण हम लोगों ने कल या परसों की कथा में किया था। बाग तड़ाग बिलो प्रभु हर्षे बंधो परम रम्य राम,
जो राम परम रमणीय वह दिव्य सरोवर जिसने रत्न जड़ित चारों उसके घाट प्रभु को आनंद प्रदान कर रहा है। सरोवर जल से आप्लावित हो भरा हो आनंद प्रदान करता है। जलहंस कलरव कर रहे हैं क्यों? नाना विधि कमल खिले हैं। प्रभु को कितना आनंद। अरे द्वार का श्रृंगार श्रीमान का जीव के स्वभाव का वर्णन करता है। कहते हैं द्वार कैसा है हो? अरे अद्भुत हो। आठ चारपाई लगी है, सब पर गद्दे लगे हैं, तकिया लगी है, आइए विश्राम करिए। जैसे आप बैठेंगे कोई न कोई मीठा पानी लेके आइबे करेंगे। फिर पूछेगा श्रीमान जी कहाँ से कृपा भई है? अरे हम तो अमुक जगह से आए। आ हा हा, आप हमारे अतिथि भय, हमारा आपका बहुत स्वागत, हमारा सौभाग्य आपका दर्शन। अरे नहीं, कोई आके बैठ गया चरम लो। द्वार है कि जेल है? द्वार पर कोई आए उसको आगते स्वागतम सारम, रात्रि सारम च जागरणाम भोजने च घृतम सारम। अगला नहीं कहेंगे चरण जरा टेढ़ा है, तो सीधा, लेकिन अब समझ जिसकी जैसी होगी वो समझ जाएगा, अच्छी बात नहीं। भोजन में थोड़ा घृत हो, आ गौ माता का घृत हो, देसी गौ माता जर्सी ना, 1000 बीमारी का कारण जर्सी गाय का दूध सवेरे पी लो, दिन भर शरीर में हवा बनेगी। हाँ, जर्सी गाय के दूध से परहेज करिए, थोड़ा बीमारी का घर है देसी गौ माता, सुख बढ़ता है। हो मेरे सरकार पुष्प दल चहुदिस चितई पूछ मालीगत, यहां मर्यादा है ध्यान रखना होगा। हमको किसी की भी वाटिका से पुष्प लेना हो तो जिसकी वाटिका है उससे अनुमति लेना चाहिए। ये भैया पूजा के लिए दो चारठे पुष्प लेने हो ले जा भैया। कई लोग क्या करते हैं, 4:30 बजे डलिया लेके उठत हैं और चाहे जे फूल लगवले हो के बेर ही ले आवत, अब वो सुबह जब फूल लेने जावे तो फिर शुरू होता कौन ले गई मिले छवा, कौन ले गई लोनी साचर कर। जय जय भक्त हैं इसका ध्यान रखिए मर्यादा का। बिना पूछे कुछ उठाना चौर वृत्ति, बिना पूछे कुछ नहीं लेना चाहिए। भोजन के सामान में निषेध नहीं है इसका। अब कोई मिठाई सड़ा रहा उसको खा जाओ, कोई चोरी नहीं है। हाँ भगवान कन्हैया हमारे कह गए कोई मक्खन बेच रहा है और इधर उधर छिपा रहा है उसको खाए रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई कन्हैया ने जो लीला बताया वो लीला में मैंने खाने का सामान कोई सड़ा रहा है कोई लुलुआ रहा है तो खा जाना ही उसका कर्तव्य है। लेकिन भैया पूजा पाठ का सामान बिना पूछे नहीं लेना। क्यों? कई लोग मैंने देखा, हम जब पहले रामचरितमानस महायज्ञ किया करते थे हम लोग, जब कोई बुलाता नहीं था तो कुछ ना कुछ खटखट करनी पड़ता था, सरकार तो करते थे यज्ञ में कथा भी हो जाती थी, तो जो सामग्री लेते थे सरकार वो तो थोड़ा आहुति डालते, जो नहीं लेते थे स्वाहा। अरे भाई सामान दूसरे का है, काहे स्वाहा करे दे रहे हो, बेचारा 1 सवाट आहुति डालेगा। आपको स्मरण होगा व्यास जी, तो जो अपना नहीं लेके आते हैं स्वाहा, ऐसा न करो। आप कितनों चिल्लाओगे, फल उसी को मिलेगा जिसके घर से हवन सामग्री आई है। अपना प्रसाद बांटे थे तो एक पेड़ा में 4 भाग करे थे, दूसरे के बांटे थे मुठ्ठा भर बांटे थे। मर्यादा भगवान चहुदी से चितई लगे लेन दल फूल। दल माने तुलसी दल। तुलसी दल उतारते समय माँ को प्रणाम करिए, बिल्व पत्र उतारते समय प्रणाम करिए, फिर प्रेम से उतना ले जाइए जितनी आपकी आवश्यकता हो। कंची मत उतारिए, 5 दिन का काम पूरा हो जाएगा। प्रणाम करके एक एक दल बड़े लाड़ से, निषेध के दिनों में भी तुलसी मैया भगवान शालग्राम जी के पास ले जाई जा सकती हैं, इसका सर्वथा वर्णन है स्कंद में। कारण अपने लिए दवाई के लिए नहीं उतारना चाहिए जो निषेध की तिथियां हैं। निषेध तिथि क्या है?
नित्य पूजा प्रकाश गीता प्रेस ने छापा है, 35 रुपए का ग्रंथ है, खरीदिए और पढ़िए। अब शायद बढ़ गया होगा 10 रुपया, साल में 2-3 बार बढ़ा रहे हैं ये लोग, तो खरीद लीजिए। ये बता देंगे तो आप खरीदेंगे नहीं। ग्रंथ पास में रखिए, उसमें सब विधि विधान दिया है। तो मेरे सरकार, अरे देखिए अतिथि हैं हम। हम लोग कथा करने किसी के घर में गए, हमारा स्वभाव बिना पूछे हम किसी के घर में इधर उधर भी नहीं देखते, अपने कक्ष में सिद्धि है वही रहते हैं। न जाने किसके घर का क्या व्यवहार है, कई लोगों का स्वभाव होता है अपना कक्ष मिला ठीक है, इधर क्या है क्या मतलब तुमसे, चाहे जो हो इताला क्यों बंद रहता है, बंद रहता है आपसे क्या लेना देना। मेरे सरकार चौधरी से चितई पूछ मालिगन, लगे लेन दल फूल प्रसन्न मन से, गुरुदेव भगवान सेवा करेंगे। एतदर्थ पुष्प दल भील पत्र सरकार उतारने लगे। इतने में मेरी माँ किशोरी जी भवानी जी की पूजा हेतु माँ के भेजने से आई हैं। कथा में माँ का प्रवेश हुआ है। पूज्यपाद गोस्वामी जी क्या अद्भुतता है, हो माँ का जन्म नहीं कराते, सीधा पूजन में ही प्रवेश कराते। ये देखिए वैशिष्ट है इस ग्रंथ का, इसलिए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए किशोरी मैया की जय, मिथिला धाम की जय। सखियां गीत गाती हैं गौर दरबार चले हो सखी पूजिया, गौर दरबार चले हो सखी पूजिया, गौरी दरबार शंभु दरबार, गौरी दरबार शंभु दरबार, चलो सखी पूजिया, गौरी दरबार चलो सखी पूजिया। वाटिका में प्रवेश हुआ माँ का सखियों के साथ, मंगल स्नान हुआ, वस्त्राभूषण से सजी माँ के मंदिर में पहुंची। आह शंकर के पूजन करो सब सखी मिल, शंकर के पूजन करो सब सखी मिल, गौरा जी के कर आज मैया जी के कर आज, सुरो हो सिंगार चलो हो सखी पूजिया, गौरी दरबार चलो हो सखी पूजिया। कार्यालय कार्यालय पूजा की अधिक अनुरागा, अधिक अनुराग सुभग पर मांगा, निज अनुरूप सुभग पर मांगा, गौरा जी के बोले सब गौरा जी के बोले सब, मैया जी के बोले सब मैया जी के बोले सब, सखी दयकार चलो सखी गौरी दरबार चलो सखी पूजिया, गौरी दरबार चलो। एक सखी सिय संग बिहारी गई रही देखन ते ही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता एक सखी सखियों का संग छोड़ करके और वाटिका दर्शनार्थ चली गई। सखियां साथ में होती हैं तो अनेक भाव आनंद के उनके अंदर आते हैं।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।